अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन दो प्याज़ी। ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। चलिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 500 ग्राम हमने मीट लिया है, एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली है 120 ग्राम, और एक मैंने टमाटर लिया है 60 ग्राम का है, 5 मैंने इलायची लिए, 5 मैंने लौंगी लिए, 4 मैंने हरी मिर्चें काटी हैं, और 1 टीस्पून धनिया का, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून भर के मैंने दही लिया है, और ऊपर से गार्निश के लिए हरा धनिया। 85 ml हमने घी लिया है, अब इसमें हम ये सब डाल देते हैं। अभी जो सारे मसाले थे ये सारे इसमें एक साथ ही जाएंगे। कसूरी मेथी, दही, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसको हम हल्का सा पहले चला लेते हैं अच्छे से इसको मसाले को। 170 ml हमने इसमें पानी डाल दिया है, इसको अब हम ढक कर रख देंगे, इसकी सीटी ले लेंगे 3 से 4, स्लो फ्लेम पे हम इसकी सीटी ले लेंगे 3 से 4। हमें स्लो फ्लेम पे 3 से 4 सीटियाँ हमारी आ चुकी हैं इसमें, अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे, इसके अच्छे से बुनाई करनी है अभी हमें। ये देखिए जो हमने टमाटर और प्याज जो डाली थी इसके अच्छे से ग्रेवी बन गई है, मसाला बन चुका है अच्छे से इसका। इसकी ग्रेवी हमें थोड़ी ठीक लग रही है अभी, तो हमें अभी थोड़ा सा इसमें पानी डालना, बस 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें पानी डाला है, और इसमें हरा धनिया डाल देते हैं हम इसके ऊपर से। अब इसके हम जो तड़का लगाएंगे मेन चीज़ वो है, अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं, इसको हम स्लो फ्लेम पे रख देंगे अभी। ठीक है, हम अब इसमें तड़का लगाएंगे, मेन चीज़ यही है इसके तड़के की। ये 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं छोटी छोटी, और जितनी छोटी प्याज हो सके आप इतनी ही छोटी प्याज लीजिएगा, इसमें ज़्यादा छोटी प्याज होती है इसी का ही ज़्यादा टेस्ट आता है। और मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया 1/2 टीस्पून लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाल लिया है, और 1 ही टेबलस्पून मैंने बटर का डाल लिया है। ये देखिए हमारा सालन भी रेडी हो चुका है, अब हम इसमें तड़का डाल देते हैं। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। डिश बनके हमारी रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी डिश आपको कैसी लगी।